दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन ऑयल में आई हुई वैकेंसी के बारे में। तो इसके रिगार्डिंग जो है हम यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे, जैसे इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहेगा, देन यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, ये सारी चीज़ें जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो के लास्ट तक आप बने हैं। अगर आपकी कोई क्वेरीज होती है या फिर कोई कमेंट्स होते हैं तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, हम जो है आपके कमेंट को रिप्लाई करेंगे। लेकिन शर्त यह है कि आप जो है पहले पूरा वीडियोज़ देखिए, क्योंकि हम जो भी बताते हैं वो बहुत हर चीज़ जो है हम वीडियो में ही बता देते हैं, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट जो है बिना देखे ही कमेंट करते हैं। इसलिए आप जो एक बार वीडियो को पूरा देखें, अगर कोई डाउट्स रह जाता है तो आप जो है कमेंट करें। सो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये इंडियन ऑयल में कौन से डिवीज़न में वैकेंसी आई है। तो ये जो है आपका रिफाइनरी डिवीज़न, जो गुजरात रिफाइनरी है उसमें जो है वैकेंसी आ रखी है। तो इसका हम देख लेते हैं क्या एडवर्टीज़मेंट नंबर है। एडवर्टीज़मेंट नंबर जो है बहुत ही ज़रूरी है किसी भी रिक्रूटमेंट नंबर के लिए। तो इसका जो एडवर्टीज़मेंट नंबर है वो आपका JR/05/2019 जो है इसका एडवर्टीज़मेंट नंबर है। इसी जो है आपको फॉर्म को फिलअप करना है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। तो ये जो है आपका जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फ्लोर प्रोडक्शन के लिए जो है यहाँ पे वैकेंसी आ रखी है, जहाँ पे अगर नंबर ऑफ़ वैकेंसी की अगर हम बात किया जाए तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो 38 है। अकॉर्डिंग टू कैटेगरी अगर देखा जाए तो यहाँ पे जनरल्स के लिए जो है जनरल्स के लिए जो है 16 वैकेंसीज़ हैं, और जो इकोनॉमिक बैकवर्ड सेक्शन के अंतर्गत आते हैं उनकी जो है 3 वैकेंसी है। SC की जो है 3 वैकेंसी है, ST की 6 वैकेंसी है, इस तरह OBC NCL वालों के लिए 10 वैकेंसी है। तो ये जो है यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसी है अकॉर्डिंग टू कैटेगराइजेशन। देन यहाँ पे आपका कब एग्ज़ाम होगा वो डेट भी दे रखा है, तो वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसका जो एग्जामिनेशन डेट है वो देख लेते हैं कब दिया गया है। तो इसका जो एग्जामिनेशन डेट है ये लिखा हुआ है कि इसका जो एग्जामिनेशन डेट है वो आपका बड़ोदरा में, यानी कि जो गुजरात में बड़ोदरा में जो है आपका यहाँ पे रिटर्न टेस्ट होगा। और ये जो रिटर्न टेस्ट होगा इसमें जो है क्या पैटर्न होगा वो भी हम बात करेंगे। तो नवंबर में जो है इसका एग्ज़ाम है, और इस फॉर्म की लास्ट डेट जो है आपकी 30 अक्टूबर रखी गई है। 30 अक्टूबर से पहले जो है आपको फॉर्म को फिलअप कर लेना है। दोस्तों अब बात करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट जो है यहाँ पे एलिजिबल है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। तो यहाँ पे देखिए आपको 3 ईयर डिप्लोमा या फिर अगर आपने लेटरल एंट्री डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप जो है एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे डिप्लोमा के कैंडिडेट जो है केमिकल इंजीनियरिंग और रिफाइनरी या पेट्रोकेमिकल के कैंडिडेट जो है एलिजिबल हैं। अगर आपने BSc कर रखा है, BSc इन मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री और या फिर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से, तो आप जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लेकिन परसेंटेज जो है आपके 50% होना चाहिए जनरल्स और OBC के, और जो SC ST कैंडिडेट हैं उनके लिए 45% यहाँ पर रखा गया है। देन ये जो पोस्ट है उसमें आपको 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांग रखा है। तो जो एक्सपीरियंस है आपको किसमें होना चाहिए, आपको ऑपरेशन ऑफ पंप हाउस या फिर फायर हीटर, कंप्रेशर, डिस्टिलेशन कॉलम, रिएक्टर, हीट एक्सचेंजर इन पेट्रोलियम रिफाइनरी या फिर पेट्रोकेमिकल, फर्टिलाइजर, हैवी केमिकल्स या फिर गैस प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात किया जाए कि जो हायर क्वालिफिकेशन कैंडिडेट हैं जैसे BE BTEC वाले यहाँ पे एलिजिबल नहीं हैं। देन यहाँ पे अगर बात की जाए वुमेंस कैंडिडेट के लिए, गर्ल्स कैंडिडेट के लिए, तो यहाँ पे वो एलिजिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इनको साफ साफ मना किया गया है। यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं वो मेल कैंडिडेट ही फॉर्म को लिए एलिजिबल हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की जाए तो देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर में जो है इसमें आपका रिटर्न टेस्ट होगा। रिटर्न टेस्ट मैंने आपको बता दिया कब जो होगा, नवंबर में जो है आपका रिटर्न टेस्ट होगा। यहाँ पे गुजरात जाने की बड़ोदरा में जो है आपका यहाँ पे एग्ज़ाम होगा। देन स्किल टेस्ट होगा। तो स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग जो हमारे चैनल में वीडियोज़ भी अपलोड है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। हम बात करते हैं फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है। तो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आप जो है लिंक का यूज़ कर सकते हैं या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। वहाँ से आपको जो है फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप करना है। तो www.iocl.com पे जाके आपको फॉर्म को फिलअप करना है। देन वहाँ पे फॉर्म को फिलअप करने के बाद ऑनलाइन उसका प्रिंटआउट लेने के बाद आपको एक एड्रेस पर सेंड करना पड़ेगा। तो एड्रेस जो है आपको यहाँ पर दिख रहा है, इस एड्रेस पर जो है आपको सेंड करना पड़ेगा। इस एड्रेस को आप नोट कर लीजिए, ये एड्रेस है, इस एड्रेस को जो है सेंड करना पड़ेगा, जिसकी लास्ट डेट जो है यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया आपको 9/11 से पहले जो है प्रिंट आउट जो है पहुंच जाना चाहिए। दोस्तों अब इम्पॉर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं। तो फॉर्म देखिए स्टार्ट होगा आपका 10 अक्टूबर से, जिसकी लास्ट डेट जो रखी गई है 30 अक्टूबर रखी गई है। और इसकी हार्ड कॉपी आपको भेजना है अपने डॉक्यूमेंट के साथ, उसका जो है 9 नवंबर रखा गया है। देन यहाँ पे रिटर्न टेस्ट भी दे रखा है कि 10 नवंबर को जो है आपका एग्ज़ाम होगा, कहाँ पर, बड़ोदरा में, ठीक है। और रिटर्न टेस्ट का जो रिजल्ट है वो 15 नवंबर को जो है पब्लिश कर जाएगा। तो काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पे मौका है, तुरंत यहाँ पे आपको तुरंत जॉइनिंग मिलने के चांसेस हैं। तो ये जो है देख लीजिए, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप जो है इस फॉर्म को फिलअप कर लीजिए।
दोस्तों हमारे चैनल में और भी बहुत सारे वीडियोस अपलोड हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप इस फॉर्म को देखिए और फॉर्म को लास्ट डेट ख़त्म होने से पहले फॉर्म को फिलअप कर लिए। बहुत सारी वैकेंसी जो हमने बता रखी है जहाँ पे फ्रेशर्स के कैंडिडेट जो हैं एलिजिबल हैं, तो आप जो है उन वीडियो को देखिए और फॉर्म को, वीडियो का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जहाँ से आप फॉर्म को ईजिली देख सकते हैं और फॉर्म को फिलअप भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।